प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर केंद्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। हालांकि बीजेपी के 400 पार के नारों के विपरीत आए चुनावी नतीजों को लेकर विपक्ष पीएम मोदी पर हमलावर है। विपक्ष ने इस बात पर बहस छेड़ रखी है कि भले सरकार एनडीए बना ले, लेकिन ये मोदी की हार है। वहीं बीजेपी ने भी विपक्ष पर पलटवार किया और कहा, जिनके गठबंधन की सीटें बीजेपी की कुल सीट से भी कम आई हों, वो किस मुंह से सवाल उठा रहे हैं। इस बार के चुनावी नतीजों में कांग्रेस को 47 सीटों को फायदा हुआ और उसकी संख्या 99 तक पहुंच गई। बीजेपी को 63 सीटों का नुकसान हुआ और उसकी सीटों की संख्या बहुमत के आंकड़े से छिटक कर 240 पर आ गई। हालांकि एनडीए का आंकड़ा 293 है और वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। विपक्ष को एनडीए की जीत में भी हार क्यों दिख रही है, इसे समझने के लिए जब विश्लेषण किया तो 10 बड़ी बातें निकल कर सामने आई। पहला, प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा कार्यकाल पक्का है, लेकिन नतीजे उनकी उम्मीदों के विपरीत रहे और एनडीए 300 भी पार नहीं कर पाई। बीजेपी को इस बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन 240 सीटों के साथ वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई। वहीं विपक्ष के इंडिया गठबंधन की 20 पार्टियों ने मिलकर 234 सीटें जीती हैं, बीजेपी ने अकेले 240 सीटें जीती हैं। देश में गठबंधन वाली सरकार का दौर एक बार फिर से लौट आया और इस बार लोगों ने मजबूत सरकार का नहीं बल्कि मजबूत विपक्ष का चुनाव किया। चौथा, बीजेपी को हिंदी हार्टलैंड वाले राज्यों में जबरदस्त नुकसान हुआ, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। बीजेपी को पिछली बार से 30 सीटें कम मिली और अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। पांचवा, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का मुद्दा बिल्कुल नहीं चला, बीजेपी अयोध्या में भी चुनाव हार गई अकेले। इसके अलावा यूपी में बीजेपी के अंदर जो डिवाइड था उससे भी पार्टी को नुकसान हुआ। छठा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ममता बनर्जी के गढ़ को नहीं भेद पाई और ममता बनर्जी ने पिछली बार से भी ज्यादा सीटें जीतकर ये साबित किया कि पश्चिम बंगाल के लोगों का भरोसा अब भी उनके साथ। सातवां, इस खंडित जनादेश ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अब किंग मेकर की भूमिका में ला दिया। नीतीश कुमार की जेडीयू को 12 और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को 16 सीटों पर जीत मिली और इन दोनों नेताओं के पास अब 28 सीटें हैं। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव जीतने के कुछ महीने बाद ही परिस्थितियां बदल गई और 2019 में बीजेपी ने वहां 25 की 25 सीटें जीती थी और उसके बाद पिछले साल विधानसभा का भी चुनाव जीता। उसी राजस्थान में इस बार बीजेपी ने 14 और कांग्रेस ने 8 सीटें जीती। नौवां, बीजेपी ने विपक्षी दलों से आए जिन दल बदलू नेताओं पर दांव लगाया वो दांव नाकाम हो गया और महाराष्ट्र में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे जैसे सहयोगी भी एनडीए को लाभ नहीं पहुंचा पाए। बड़ा पॉइंट यह है कि बीजेपी को अभी चुनाव जीतने के लिए आरएसएस की जरूरत है और वो आरएसएस की संगठन शक्ति को दरकिनार नहीं कर सकती। इन चुनावी नतीजों में सबकी जीत हुई, ईवीएम की भी जीत हुई, लोकतंत्र की भी जीत हुई, विपक्ष की भी जीत हुई और सरकार की भी जीत हुई। और इन नतीजों से दो और बातें पता चली। पहली, बीजेपी और एनडीए को दलित, महिला और युवा वोटों का जबरदस्त नुकसान हुआ। दूसरा, जिन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार नामांकन भरने के बाद बीजेपी में शामिल हुए वो चीजें वोटर्स को अच्छी नहीं लगी। उदाहरण के तौर पर इंदौर में जहां वोटिंग से पहले कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बीजेपी में शामिल हो गए, वहां 2,18,000 लोगों ने नोटा को वोट दिया।